मैंने हार मान ली, अब और न्यूक्लियर बम नहीं। तुमने देखा, मैंने कर दिखाया, मैंने युद्ध खत्म कर दिया। तुम्हारा मतलब है हम युद्ध जीत गए? हाँ, कुछ ऐसा ही। शायद अब मुझे कम्युनिस्टों का शिकार करना चाहिए। अब ये युद्ध बहुत हुआ, अब शिकार का मौसम खत्म। रिलैक्स दोस्त, गहरी सांसें लो। हंटिंग सीजन लेवल 1 डीएक्टिवेटेड फिलहाल के लिए। अरे दोस्त अमेरिका, तुम कितनी आसानी से साथ में बिताए हुआ समय भूल जाते हो। हम अब भी फ्रेनिमीज हैं। हाँ, ये सही है। अरे चुप हो जाओ, चाइना को चैन से सोने दो। ये कितना अजीब है। अरे पर वो तो देखो, आखिरकार युद्ध के बाद कोरिया आजाद है। अरे कुछ कुछ कुछ, कितना क्यूट है। और इसमें बहुत क्षमता भी है, लेकिन क्या वो खुद से एक महान देश बन पाएगा? सही कहा, मैं इसे गोद लूंगा। क्या? बूम, कितना शानदार आइडिया है। ओ, तो तुम दोनों की मिली भगत है हा? इस खेल में हम भी माहिर हैं। मुझे इस सब से दूर रखो। हम भी इसे गोद ले लेंगे। मुझे नहीं पढ़ना इस सब में। हम दोनों शेयर कर सकते हैं। अच्छा आइडिया है। रुको, ये क्या? चुप हो जाओ। बहुत हुआ, हंटिंग सीजन की शुरुआत हो गई। लेवल 2। तो अब ये सब फिर से होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास हंटिंग मोड है तो मेरे पास बीस्ट मोड है। अरे रुक जाओ, दूसरे विश्व युद्ध में नुकसान कम हुआ है क्या? ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, वरना मैं कितना शानदार है। हाँ मतलब ठीक ठाक ही है। मैं इसे कहूँगा साउथ कोरिया। क्या, कुछ तो नया सोचते। डैडी को ओयल बोलो, ओयल। तुम्हारी ओयल से मालिश करनी होगी। तो सोवियत यूनियन, तुम इसका नाम क्या रखने वाले हो? मैं रखूँगा नॉर्थ कोरिया। ठीक है, याद रखना, ये हमेशा के लिए तुम्हारे पास नहीं रहने वाले। हम जानते हैं। तो ये है तुम्हारा नया घर। ब्लू आज से तुम्हारा दोस्त है। सिर्फ लाल रंग ही देखना है, कोई और रंग दिखा तो समझ लो वो दुश्मन है। ठीक है मेरे बच्चे, जब तक तुम बड़े होकर खुद पर निर्भर नहीं होते, पापा अमेरिका तुम्हारी देखभाल करेंगे। पापा, पापा। कितना जल्दी सीख गया। क्या तुम जानते हो लॉर्ड एंड सेवियर कैपिटलिज्म क्या होता है? क्या तुमने रक्षक और सिद्धांत कम्युनिज्म के बारे में सुना है? क्या शॉट मारे लाए। मार्च मार्च, सल्यूट सल्यूट। 96 97 98 99 100। वो भी 3D में। एक ही पार्टी शासन करेगी। अपुन कम्युनिस्ट शासन में फिर से लोगों को जमा करेगा क्या? मैं अपने खुद के कम्युनिस्ट शासन में कोरियन लोगों को फिर से एकजुट कर दूंगा, यही सही रहेगा। हाँ, और उस जोकर की इतनी हिम्मत, उसने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। पता है मैंने क्या कहा उससे? सर्दियाँ आ रही है बच्चे। क्या तुमने मौसम के बारे में बात करने के लिए मेरी नींद खराब की? ए, सोवियत यूनियन और चाइना, अपुन के पास एक झकास आइडिया है। मुझे सोने दो। लेकिन अपुन का आइडिया। अच्छा बोल दो बाबा। सच्ची? नहीं। तो तुम क्या कह रहे थे बच्चे? अपुन अब बड़ा हो गया है, अपुन का भी सपना है। एक सपना, चलो देखते हैं हमारी विचारधारा, मेरा मतलब पढ़ाई ने असर दिखाया या नहीं। अपुन हमला करेगा, मतलब सभी कोरियंस को एक साथ लाएगा। क्या? अपुन बनेगा सुप्रीम लीडर, हर कोई अपुन से और कम्युनिज्म से प्यार करेगा। रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो, तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन हर चीज को करने का एक तरीका होता है। नहीं, कोरिया को एकजुट करने में बहुत लोग लगेंगे और ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अपुन के लोग अपुन के लिए लड़ेंगे, अपुन होगा उनका परिवार, उनका प्यार और उनका देवता। ऐ छकास। अरे बस कर पगले, रुलाएगा क्या मुझे? लेकिन मेरा जवाब है नहीं।
लेकिन क्यों? ना मतलब ना, अभी तुम्हारी सेना तैयार नहीं है। क्या तुम भूल गया कि 1905 में तुम जापान से हारा था? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी कभी सॉरी बोलो। मैंने कहा मुझे सॉरी बोलो। अब उनको जाने दो। तुम्हें बस करो, बहुत हो गई तुम दोनों की चपड़। अब मेरी बात सुनो, उसे युद्ध शुरू करने दो और मुझे सोने दो। ठीक है, जस्ट चिल बड़ी। चाइना, तू ही अपुन का माई बाप है। अगली बार किसी ने मेरी नींद खराब की तो मैं उनकी जिंदगी खराब कर दूंगा। गुस्सा दिला दिया ना, पूरी दुनिया अपुन के सामने झुकेगी। इतना सुंदर सुबह है। हाँ हेलो पापा। क्या तुम जीत गए बेटा? नॉर्थ कोरिया मेरी तरफ बढ़ रहा है करीब 75,000 सैनिकों के साथ। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरी मदद करो। तेरा क्या होगा साउथ कोरिया? मार्क्सिस से कुछ देर बच के रहो बेटा, पापा प्लेन से आ रहे हैं। तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? अब उनके दोस्तों की मदद से क्या, अब तुमको हमने घेर लिया है। कैपिटलिस्ट कहीं गए? तू अपुन का भाई है, दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे क्या? और दोनों से मेरा मतलब मैं। मैं कभी नहीं झुकूंगा कम्युनिज्म के आगे। करप्शन झुकूंगा, पर कम्युनिज्म कभी नहीं। मतलब तुमने चुनी है अपनी मौत। मेरे जुड़वा भाई, हम साथ मिलकर दुनिया पे राज कर सकते हैं। एक बार फिर से बोलना, आजादी। ये युद्ध खत्म हो गया बच्चों, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। अभी के अभी रुक जाओ नॉर्थ कोरिया। मैं ठीक हूँ। लो ये भी आ गया। अरे पापा, अंकल, मेरे भाई। नहीं, कोरिया लाल नहीं हो सकता, ये एक बीमारी है, एक वायरस है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इसे खत्म कर दूंगा। शिकार का सीजन आ गया। ये क्या, मिस्टर सोवियत यूनियन ने सही कहा था, अब उनको चाइना की मदद चाहिए। शिकार का वक्त आ गया और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। पापा रे। लगता है कि हम कहीं खो गए हैं। शायद तुम्हारी याददाश्त चली गई है, मुझे कम्युनिस्ट की गंध आ रही है। सुनिए स्टेपडैड, हमें और आगे नहीं जाना चाहिए। मेरा जहाँ मन होगा वहाँ जाऊँगा। हाँ, जहाँ भी हमारा मन करता है। मेरी बात सुनिए ना, जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। साउथ कोरिया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। नहीं सुनो, देखो मैं मानता हूँ कि नॉर्थ कोरिया और मेरे बीच अनबन जरूर है, लेकिन वो फिर भी मेरा भाई है, वो कोरिया है मेरी तरह। कम्युनिस्ट बन गए हो क्या? ताने मारना बंद करो। मैं जानता हूँ हम दोनों अलग हैं, क्योंकि हम दोनों बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, पर हाँ वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। हम सब वक्त के साथ बदलते हैं, इसलिए क्या हम अलग अलग विचारधाराओं के कारण एक दूसरे को खत्म करने के बजाय शांति से साथ में रहने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? मुझे तो यही लगता है। वो वहाँ देखो, एक गुफा। तुम्हारे पापा से बेहतर कोई नहीं जानता, चलो चले। अरे पर पापा, मेरी बात तो सुनो। मैं अभी बिजी हूँ, कम्युनिस्ट को छिपने में मजा आता है। बाहर निकलो। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। बाहर निकलो डरपोको, मैं जानता हूँ तुम यही छिपे हो। हम लोग यहाँ क्यों आए? कम्युनिस्ट अपने आप नहीं मरते हैं, चलो आगे आओ। ये कौन है? अरे नहीं, ये तो चाइना का क्षेत्र है। तुमने ये अच्छा नहीं किया बच्चों, माफ कीजिए, गलती हो गई। नॉर्थ कोरिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंकल चाइना अब नींद से जाग गए हैं।